तो अज श्री अकाल तख्त साहब विखे अमृत संचार किया जा रहा है, तो जिथे कि संगत हुम हुम आके पुजदियां नज़र आ रही ने, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग ने जो कि खास तौर पर इस समागम वेखन वास्ते पुज रहे हैं। तो दिल्ली तो एक विशेष तौर पर एक सिख बीबी जी इतने पुजी है, तो असं उन्होंने गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रागी अमनदीप कौर मजीठा, कीर्तनी गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली। अज किस वास्ते समागम वास्ते थे? एक्चुअली मैं स्पेशली अमृतपाल वीर जी नूं मिलन वास्ते आई हाँ। मेरी कदी मुलाकात नहीं हुई उन्हां दे नाल, मैं हमेशा उन्हां दे लैक्चर सुनदी आ रही हाँ, तो मैनूं वधिया लगदे आ। तो मेरे मन की चाह सी कि जिदे जिन्हों आपां लिसन करते हैं है ना, जिदियां गल्लां नूं आपां अडोप्ट करते हैं, सानूं उन्हां नूं मिलना भी चाहिए। सो मेरी उन्हां दे नाल मुलाकात बहुत वधिया रही है। तो ये बीबी जी किदां वेखदे हो समागम नूं, क्योंकि जिस तरह एक गल की जाए पिछले कुछ समय से सिक्खी का जरा पतितपन होया, बहुत सारा नुकसान होया कौम नूं, तो इस तरह के समागम नूं तुसीं किवें वेखदे हो? देखो जी, ये बहुत वधिया उपराला आ वीर वालों जो किया गया आ। अमृतपाल वीर ने जो ये संघर्ष विढ़िया आ, उहदा पहला जिहड़ा उन्होंने स्टैप लिया आ कि सानू अमृत छकना चाहिए, खंडे बाटे की पौल जिहड़ी आ वो लैनी चाहिए आ। सो मैनू तो बहुत वधिया उपराला लगा आ, तो मैनू इहदा रिजल्ट भी बहुत वधिया नज़र आ रहा है। कित्थों दे? दिल्ली तों। मैं वैसे इत्थे अमृतसर दे कोल मजीठा आ, मैं मजीठा टाउन दी रहन वाली हां, ते जॉब मेरी जड़ी दिल्ली है। दिल्ली तुसी कीर्तन करदे हो गुरुद्वारा बंगला साहिब? जी जी। बीबी जी की समझते हो कि जिस तरह रुझान पैदा हुए ने, तो बीते कुछ समय से श्रोमणी कमेटी या होर भी जी सिख संस्थावां ने वो काम नहीं कर पाई, जिस करके अज जरा है भाई अमृतपाल सिंह अरनू अगे आना पिया? देखो जी, इहदे विच मैं यही कहना चाहूँगी कि जिहड़े भी जिन्नियां भी कमेटियां प्रबंधक ने वो इस विषय ते सारियां फेल ने, क्योंकि जिस तरह का अमृतपाल वीर ने उपराला किया आ कि एक उन्हां दी कॉल ते हज़ारां गिनती दे विच जिहड़ा आ वो अमृतपान कर रही ने, संगतां गुरु नाल जुड़ रही ने। सो किसी भी जथेबंदी दे वलों जां कमेटी वलों कोई एवें दा उपराला नहीं किया गया। कारण की है कि पिछले 20-25 साल का जो गैप है उन्होंने किस तरह वेखते हो, क्योंकि जो सिखी के घाण की गल की जाती तो 20-25 साल का समा बहुत वड्डा समा होता है। देखो वीर जी, ये अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग आ, असी केड़ी सोच नू लैके चलना आ। जे ते असी अपने फुलके सेकने आ, उत्थे आपां गुरु साहब ना नहीं किसी नू जोड़ सकते। जिथे अपने रोटियां सेकण की गल आउंदी आ, उत्थे आपां एवें दा कोई उपराला नहीं कर सकते। सो जिहड़ा इनसान दिलों साफ हो के अपने कौम दे लई हक, जरा सवाल कर रहे हैं कि पिछलियां जिहड़ियां 20 साल दियां कमजोरियां ने वो किना किना दी कमजोरियां रहियां, जिस करके अज इत्थों तक आना पिया कि लोगों नू सुनेहा देना पिया कि लोकी जड़ा है आन, और दूसरा जरा धर्म परिवर्तन भी हो रहा, कमियां किना दियां ने? मैं तुहानूं कह रही हाँ कि सारिया जथेबंदियां दियां ने, मैं तो कह रही हाँ सारिया जथेबंदियां नाकामयाब रही ने, कमेटियां नाकामयाब रही ने, कि कोई इस तरह का उपराला ही नहीं कर सकियां। जिहड़ा संघर्ष जिहड़ा आ अमृतपाल वीर ने विढ़िया आ, वो कंडियां दी सेज आ, उत्थे हक सच की लड़ाई लड़नी पैनी आ, सिर देना पैना आ, खंडे बाटे की पौल छकनी पैनी आ। सो ये तो निधड़क हो के पहलों बोलना पैना जो साडियां कमेटियां जां जथेबंदियां बोलदियां नहीं हैगियां। राजनीतिक पार्टियां क्यों विरोध कर दियां ने? जो कह रहे हैं कि पंजाब की अमन शांति खराब हो जाएगी, जरा है आपसी भाईचारक सांझ जी है वो भी खत्म हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियां का कच्चा चिट्ठा जड़ा है वह भी सामने आऊगा थोड़ी देर तक, तुसी देखना वो तां विरोध कर दियां ने। तो ये कोई नवी गल नहीं हैगी कि राजनीतिक पार्टियां विरोध कर दियां ने। सिखां दे विच जिहने भी हक सच की आवाज़ नूं बुलंद किया आ, वह सरकारां ने विरोध किया ही आ, इहदे विच कोई नवी गल नहीं हैगी। की सुनेहा की देना चाहते हो तुसी राजनीतिक पार्टियों को, क्यों उन्होंने ना लाना चाहिए सी, क्योंकि अज एक अमृतपान हो रहा है, संगत जिहड़ी है गुरु घर नाल जुड़ रही है, उहदा ते स्टेजां ते बहुत सारे सुनेहे दिते जांदे ने, बहुत सारे लैक्चरबाजी की जाती नहीं, लेकिन जो कोई बंदा काम कर रहा तो उसका विरोध किया जा रहा है? देखो जी, अज के समय की गल करी गई है, तो अज के समय के सारिया सरकार जड़िया आ वो फेल ने। कोई भी सरकार तो संगत नू या लोकां नू यकीन ही नहीं हैगा किसी भी सरकार ते। सो सरकारां तो सानू कोई उम्मीद नहीं हैगी, सरकारां तो असी कोई उम्मीद नहीं करदे। सिख कौम जिहड़ी आ जेकर उम्मीद नहीं करदे पर सरकारां दे विरोध कर रही ने, राजनीतिक आगू सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं भाई अमृतपाल उन्हां दा, विरोध तां कर रहे ने क्योंकि वह हक सच की गल कर रहे ने, लोगों जागरूक कर रहे ने, लोगों पता लग रहा है सच की है तो झूठा, उन्होंने तो आपे विरोध करना।
उन्होंने तो विरोध करना ही करना है। उन्होंने सच का पता लगेगा संगत को। अज जिहड़ी सरकारां वो विरोध कर रही कल नाकामयाब होणगियां, वो भी जिस तरह दूजियां सरकारां फेल कर दित्तियां ये भी सरकारां फेल करेगी। मैं सरकार की कल्ली गल नहीं कर रहा, राजनीतिक आगुओं की गल कर रहा, खास करके कांग्रेस पार्टी वालों भी बयान आता है, चाहे वह सरकार दे विच नहीं ने तो होर भी पार्टियां जिहड़ियां ने कोई अनदर परसन चाहे वो सरकारी आ या वह गैर सरकारी आ या कोई पोलीटिकल आ या नॉन पोलीटिकल आ, कोई भी आ ना, जेड़ा इंसान हक सच की लड़ाई लड़दा ना, जिन्हों एहसास आ, जिन्हों अपनी कौम की फिक्र आ, वह जड़ा आ कभी भी विरोध नहीं करेगा। जेड़ा ओदी ओपोजिशन च होगा ना रोटियां सेकण वाला, गुरु के सच्चे सिख ने, वो कहंदे सी गुरु के सच्चे सिख आ, कहण नाल सच्चे सिख। हुण तुसीं मैनू कहोगे कि मैं सच्चा सिख आ तो मैं मान लवांगी तुसीं सच्चे सिख हो, सच्चा सिख पार्टी की गल कर रहे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कहने नू कोई भी कही जावे, कहने नू कोई भी जावे, मैं भी कही जावा भी मैं सच्ची सिख हाँ, पर जे मेरे अंदर सच्चाई नहीं होगी तो मैं सच्ची सिख कादी हाँ, है ना। जे मेरे अंदर सच्चाई नहीं हैगी, मैं अपने हक के लिए आवाज़ ही नहीं बुलंद कर सकती तो मैं सच्ची सिख कादी हाँ, मैं कोई सच्ची सिख नहीं। सच्चा सिख उ जेड़ा सच की आवाज़ न बुलंद करता है अज के समय के जी। समझ दो बीते इस तरह के उपराले होर भी होने चाहिए ने, क्योंकि जिस तरह अज अमृत संचार किया गया, संगत पुजी इतों तक, क्योंकि मीडिया भी अज पहली बार है कि अमृत संचार का इस तरह का समागम कवर करने वास्ते पुजे। बिल्कुल बहुत वधिया जिहड़ा उन्हां दा उपराला उन्होंने किया, अमृतपाल वीर ने बहुत वधिया उपराला किया है, तो मैनू लगता है कि शायद उन्हां दा जिहड़ा अगला एजेंडा होगा वह इहदे नालों भी बेहतर हो सकता है। तो अज के समय के मैं देखा जो मैं अकाल तख्त के बाहर देख के आई हाँ कि बहुत सारे नशेड़ी जिहड़े सीगे अपने वीर वो खुद कह रहे कि असीं अज अमृत पान है ना करन आए हाँ वीर दी इक कॉल दे नाल। ते मैं तो अमृतपाल वीर नूं इस चीज़ के लिए वधाई देवांगी कि उन्होंने वो काम कर विखाया जड़ियाँ अज तक किसी भी जथेबंदियां ने नहीं किया। जिहड़े विरोध कर रहे उन्होंने की जवाब देना चाहोगे? विरोध करने वाले ने करी जाना, असीं उन्हां दा मूँह नहीं फड़ सकते। विरोध करने वाले करी जान, जिन्हां ने अपना काम करना ना उन्होंने अपनी चाले चलते ही जाना आ, तो बोलने वाले ने बोलते जाना, कोई फर्क नहीं पैना। अमृतपाल होना चाहिए किस तरह के समागम होर किते जा? बिल्कुल उन्हां दा एजेंडा ही ये कि वो सारे तख्तों पर जाके जड़ा आ वो खंडे बाटे की पोल छकाउणगे, उन्होंने पहले ही लैक्चर च दस्या होया। अगर इस तरह का ईवेंट होंगे ने जिस तरीके अज अमृत संचार किया जा रहा, तो अगर गुरसिखी के मर्यादा च लोग आते हैं, सिख कौम आती है, तो ये किस तरह के बेनीफिट्स जेरे ने आने वाले समय मिल सकेंगे, किस तरह के जेरे चैलेंजेस जेरे खत्म हो? देखो जदों सानू इस तरह के उपराले जड़े आ असी करांगे, पहली गल आ साडी नौजवान पीढ़ी जड़ी आ वो गुरु दे नाल जुड़ूगी, बाणी दे नाल जुड़ूगी, बाणी वध तो वध पढ़ांगे, सानू सोझी होगी कि अज के समय के सच की है तो झूठ की है। असी जिवें धर्म तब्दील कर रहे हैं उन्हां चीज़ां दे वल वले चो जड़ा आ वह बाहर निकल सकांगे। हाँ सो मैनू लगता है कि सारियां जथेबंदियां नूं जां कमेटियां नूं इस दे बारे सोचना चाहिए कि सानू इतना दे वध तो वध उपराले करने चाहिए, साड़ी आने वाली पीढ़ी भी इहदे तो कुछ सीध लवे। जी बिल्कुल, तो यह सन बीबी जी जो कि दिल्ली तो विशेष तौर पर पुजे ने, तो उन्होंने अज आख्या कि भाई अमृतपाल सिंह अणा वालों जो काम किए जा रहे हैं शलाघायोग ने, तो वो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के होर उपराले करने चाहिए ने, पर जिहड़े राजनीतिक लोग विरोध करते हैं उन्होंने एक करारा जवाब भी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने काम विरोध करना है, लेकिन भाई अमृतपाल सिंह अणा कहते लोग जोड़े ने लोगों को गुरसिखी जोड़ रहे हैं, तो एक चंगा उपराला है, तो खास तौर पर दिल्ली तो संगत जिहड़ियां ने विशेष तौर पर मिलने वास्ते भाई अमृतपाल सिंह पुजियां ने। कैमरामैन जी दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।